दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कमोडिटी में सिल्वर का एनालिसिस करने वाले हैं। सिल्वर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं एनजेबल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे इंस्टॉल डिविडेंड पर क्लिक करते हैं। और अगर आपके पास सिल्वर का चार्ट लगा नहीं है तो आप यहाँ पे प्लस आइकन का यूज़ करके आप सिल्वर को ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिल्वर पहले ही लगा के रखा है, तो हम यहाँ पे सिल्वर को सिंगल क्लिक करेंगे और हमारे सामने सिल्वर का चार्ट लग जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिल्वर को देख ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 महीने एक्सपायरी का मैंने सिल्वर का चार्ट लगा के रखा है। अब हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर ने यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। यहाँ पे हम डेली चार्ट को लगाएंगे, डेली कैंडल को लगाएंगे। यहाँ पे हर एक कैंडल जो है वन डे को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कि सिल्वर में जो एक मोमेंट बना हुआ था, सिल्वर ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो थे ये 75,000 का लेवल तक के सिल्वर पहुंच चुका था। और अब सिल्वर के जो ट्रेंड बना हुआ है, सिल्वर एक पॉजिटिव ट्रेंड में कामकाज करते हुए नज़र आ रहा है। इस कंडीशन में सिल्वर के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इनको ड्रॉ करने के लिए हम टूल ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से दो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से पहली हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि इसका जो कल का हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट में पहले रख देते हैं। हमने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले यहाँ पे हाई पॉइंट पे इसको ड्रॉ कर दिया है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके लोअर पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो लो पॉइंट है यहाँ पे भी हम इसे रख देते हैं। तो अब इसका जो लो पॉइंट है यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब आपको यहाँ पे सिल्वर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल जाते हैं। अगर सिल्वर ऊपर आता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसका एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, जो कि 75,200 के आसपास बना हुआ है। यह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 73,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेवल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पोजीशन को अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि सिल्वर में अपसाइड का मूव आ सकता है तो हम यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि सिल्वर में निगेटिव साइन आ सकता है तो हम यहाँ पे सेल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कि सिल्वर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हमें सिल्वर में फिर यहाँ से जो डाउनफॉल है ये 73,600 के लेवल तक के हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल भी सिल्वर ब्रेक करके नीचे की ओर सस्टेन करने लगता है तो सिल्वर में हमें 73,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा, और जो हमें यहाँ तक के देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 72,000 तक के हमें सिल्वर में डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो जो 75,000 का लेवल अगर सिल्वर होल्ड कर देता है ऊपर की ओर, तो 75,500 से लेके 75,700 तक के हमें अपसाइड का लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम अपनी पोजिशन को बना सकते हैं। सपोज अगर हमें लगता है कि सिल्वर में अपसाइड का मूव आ सकता है और हम यहाँ से बाई करना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वन लॉट मेंशन करेंगे, एक लॉट पर सिल्वर की आएंगी, 30 किलोग्राम्स क्वांटिटीज आएंगी। यहाँ पे करंट प्राइस के साथ जो मार्जिन यूज होने वाला है ये 251,683.50 लगेगा। यहाँ पे आप अपने चार्जेस भी चेक कर सकते हैं कि आपको पोजीशन बनाने में कितना चार्जेस लगने वाला है। दी गई बाय बटन पर क्लिक करेंगे, कंफर्म ऑर्डर पर प्लेस करेंगे, हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। जैसे ही मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो मुझे अपना P&L सेविंडो पे देखने को मिलेगा। मैं अपना पोटेंशियल रिटर्न को बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेल ऑप्शन का यूज़ करके अपने पोटेंशियल रिटर्न को बुक कर सकता हूँ, या मैं अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ या मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता हूँ। साइड बार में टूल ऑप्शन का यूज़ करके मैं अपने इंडिकेटर टूल ऑप्शन को यहाँ पर ड्रॉ करके अपने चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। FX ऑप्शन का यूज़ करके मैं अलग अलग इंडिकेटर जैसे कि बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर को ड्रॉ करके अपने चार्ट का एनालाइज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इतना इजी, इतना आसान होता है एनजेबल एप्लीकेशन में इंस्टा ट्रेड को यूज़ करना। यहाँ फैसिलिटी सिर्फ आपको एनजेबल पर मिलती है। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट एनजेबल में ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डीमेट अकाउंट एनजेबल के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विसेज का लाभ लें। दोस्तों, अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होता है, साथ ही आपका 1 ईयर का एमडी चार्जेस बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो इस गोटर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और शानदार सर्विस का इसका लाभ लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।